हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। आप लोगों से हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि शिफ्टिंग थ्रू ग्लास स्लैब, स्लैब से कैसे शिफ्टिंग होता है, लाइट जब लाइट आती है उस पे गिरती है तो उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद कितना शिफ्ट होता है, तो इसको आपको डेरिवेशन के थ्रू बताया गया था। उसमें साथ साथ क्या उस फॉर्मूला को कब यूज करना है, हर चीज आपको बारीकी से बताई गई है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो बच्चों आप यूट्यूब पे टैग करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना शिफ्टिंग थ्रू ग्लास स्लैब, तो आपको वह वीडियो मिलेगा, आप उसे देखें ताकि आज को हम जो डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको समझ में आएगा। चलो थोड़ा सा जो भी बच्चे नए हो उसको लिए हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, उसके उसे भी अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों थोड़ा सा रिकैप कर लो, रिकैप। यदि मान लो बच्चों शिफ्टिंग कितना आया था, टी इंटू वन माइनस म्यू एस अपॉन म्यू स्लैब ना, यही ना, म्यू एस हमारा क्या था याद करो बच्चों, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब स्लैब रखा हुआ है स्लैब, तो इसके आसपास दोनों साइड क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते थे म्यू एस। उसके बाद यह स्लैब जो है ग्लास स्लैब उसकी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह इंडिकेट कर रहा है, टी हमारा क्या है स्लैब का थिकनेस क्या है, मतलब या। लेकिन एक बात और याद करो, यह तो हमारा फॉर्मूला था और उस फॉर्मूला को हम यूज करने के लिए आपको दो चार पांच पॉइंट याद करने के लिए बोले थे कि फर्स्ट नंबर पॉइंट होना चाहिए कि रे हमारा पैरेक्सियल होना चाहिए, पैरेक्सियल रे के लिए इस फॉर्मूला को लगाएंगे। दूसरा कंडीशन था कि स्लैब के दोनों साइड, स्लैब के दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम मीडियम होना चाहिए, चलो अच्छी बात है। तीसरा बात यह बताए थे कि मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है कहां पे है, वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब से, तो ये सारी कहानी है ना। उसके बाद एक और बात बताए थे बच्चों कि यदि शिफ्टिंग पॉजिटिव आए, यदि शिफ्टिंग क्या हो पॉजिटिव आए, तो हमारा इमेज जो होगा वह बनेगा ऑब्जेक्ट से कितना दूर शिफ्ट होगा, तो राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज मानो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमारा शिफ्ट होके राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन करेगा यदि पॉजिटिव आया तो। यदि इमेज हमारा शिफ्टिंग यदि निगेटिव आ रहा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज का यहाँ फॉर्मेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा यदि शिफ्टिंग निगेटिव है तब की बात है। लेकिन बच्चों यह बात तब तक आपके लिए सही होगा जब तक रियल ऑब्जेक्ट है, तब तक तो बड़े मजे से यह कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, हम लिखाए भी है। अब कहोगे आप लिखाए हो फिर बात अपनी उल्टे कर रहे हो, नहीं बच्चों यह तब तक काम करेगा जब तक आपका क्या है रियल में ऑब्जेक्ट है तब। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, यह कॉन्सेप्ट कुछ उल्टा हो जाएगा। लेकिन वह इन सारे चीजों को बचने के लिए एक हम बढ़िया सा लॉजिक बताएंगे, उस लॉजिक को याद रखो आप, तो तीनों के लिए वो काम करता है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के लिए काम करेगा, वो तीनों के लिए। चलो हम क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से ही उसको हम समझेंगे, तो ये सारी बात है, इन सारी बात को हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चलो बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लो बच्चों कि यह हमारा स्लैब है, एग्जांपल नंबर वन, यदि हमारा ये स्लैब है और स्लैब का थिकनेस जो है बच्चों वो 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर, और ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ग्लास है तो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट जो है यहां से 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और क्या है कितना है आपसे पूछ रहा है कि शिफ्टिंग बताइए, कितना ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से कितना शिफ्ट होगा, बच्चों कितने बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 times रिफ्रैक्शन होगा ग्लास स्लैब है तो। चलिए एस शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगाइए, S इक्वल टू क्या होता है टी इंटू वन माइनस सराउंडिंग, और एक बात और मान लेते हैं कि एयर है, दोनों साइड क्या है बच्चों एयर माने हैं, तो 1 upon क्या लिखोगे 1.5, इसको सॉल्व करोगे तो क्या है टी की जगह क्या लिख दोगे बोलो तो 30, और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बच्चों 1 तो 1 ही है तो 30 और 1
0.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 एलसीएम ले लिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 30 इंटू क्या लिखोगे, 0.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट गैप हुआ तो यह 2 बार में मतलब 10 सेंटीमीटर आने वाला है। तो एस जो है हमारा, एस कितना आया है बोल, तो एस इक्वल टू पॉजिटिव आया और 10 आया, 10 सेंटीमीटर, कोई परेशानी क्या, पॉजिटिव आया और 10 सेंटीमीटर आई। उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, फिर यही सलह यही सिचुएशन, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सराउंडिंग का उसको चेंज कर देते हैं ना, मन में बदमाशी है कुछ भी कर दो, मतलब इधर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, अब क्या करो चेंज करके 2 कर देते हैं। देखो 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 बच्चों देखो, ये वाली बात है, अभी भी ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर ही दूर है, अभी भी थिकनेस हमारा 30 सेंटीमीटर ही है स्लैब का, अभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही है और 2 है और 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस समय चेंज कर दिए है। अब आपसे मैं पूछ लूं कि शिफ्टिंग बताइए, क्या रॉकेट साइंस है कि फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू 1 प्लस 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, कोई परेशानी क्या बच्चों, तो लिखो टी की जगह क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 है तो 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब के दोनों साइड क्या है बच्चों, तो 2 है तो माइनस का 2, स्लैब का एक्चुअल में कितना है 1.5, एलसीएम ले, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 1.5 माइनस 2 अपॉन 1.5, बच्चों यहां आते हैं सॉल्व करो, यहां पे एस इक्वल टू 30 और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट गैप या 15 दो बार में, तो एस इक्वल टू कितना होगा बच्चों, माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। बड़ा मुद्दे की बात है कि एस नेगेटिव आई है, अच्छी बात है, क्या लॉजिक है, बेसिक वाला लॉजिक क्या बताए थे हम शुरू में, यदि रियल में ऑब्जेक्ट है तो अभी जो मैं बोल रहा हूं वह काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं पहुंचाएगा आपको, वह कैधर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड 10 सेंटीमीटर दूर हमें इमेज बन जाएगा, अच्छी बात है, और इस केस में यदि पॉजिटिव है तो यहां पे 10 सेंटीमीटर दूर बन जाएगा इमेज का, क्या दिक्कत है राइट साइड। लेकिन बच्चों टेंशन तब आती है, टेंशन तब आता है जब हमारा यही स्लैब है, सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, और आपको क्या करे, सेम सिचुएशन यहां पे ऑब्जेक्ट, अब जो है ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे यहां पे रखा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, मतलब वो जो है हमारा वर्चुअल है, क्या है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो देख तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा तो कुछ ऐसे रे आएगा, फिर क्या होगा, कुछ रे जो है इस तरह से, मतलब क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, तो रे मतलब यहां से जब स्लैब से निकलेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो जाएगा बच्चों तो कुछ ऐसे मिलते हुए जाएगा, मतलब यहां पे मिलेगा, देख तो यहां से ले आई यहां पे आई, फिर अब क्या होगा, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो यहां पे, तो नॉर्मल से क्या जाएगा अवे जाएगा, तो नॉर्मल से अवे यहां पे, तो सेम बात यहां पे, यहां जाएगा, यहां मान लो नॉर्मल है बच्चों तो कुछ ऐसे मिलेगा, फिर यहां पे नॉर्मल है अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से जाके अपना बनने वाला है, यहां पे इमेज बनेगा। अब बताओ जो हम बात बोल रहे थे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और पॉजिटिव, यहां पे शिफ्टिंग बता लो, पहले शिफ्टिंग हमारा 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट अभी भी क्या है वर्चुअल जो है हमारा 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, सेम सिचुएशन है 1.5 है बच्चों, यहां भी एयर ही है यहां भी एयर है, कोई परेशानी है कि शिफ्टिंग निकाल दो, यहां पे शिफ्टिंग जो होगा बच्चों वह कितना होगा 30 इंटू 1 माइनस 1.5 मतलब कितना 30 और इंटू का 0.5 अपॉन 1.5 मतलब कितना 30 सेंटीमीटर आने वाला है, इस 30 सेंटीमीटर आने वाला है। यदि बच्चों वह लॉजिक लगाओगे, कौन सा लॉजिक लगाओगे याद करो, तो
कि यदि राइट साइड बनेगा, जब हमारा पॉजिटिव आएगा और राइट साइड इमेज बनेगा किससे, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उससे, क्या यहाँ पे वो लॉजिक काम कर रहा है कि बच्चों नहीं काम कर रहा है? तो बच्चों याद, अब कहोगे कि सबके लिए अलग अलग याद करना है कि नहीं, याद करो बच्चों, जिधर हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, यदि पॉजिटिव आई, यदि मान लो कि पॉजिटिव आया तो जिधर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उधर ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, उधर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। यदि जिधर, यदि मान लो कि एस हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या ले लेंगे, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कहां से शिफ्टिंग होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उससे शिफ्ट करेगा, तो यही ना आएगा, मान लो कि यह जो डिस्टेंस है बच्चों वही 10 सेंटीमीटर आएगा। तो याद करो, जहां से इमेज मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, मान लो यही सब है, तो यहां पे आके बन रहा है हमारा, तो बन रहा है, तो वह कॉन्सेप्ट आप रियल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लगा सकते हैं, यदि नहीं रखा हुआ है तो वह वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, जिधर रे जा रहा है वो उधर ही हमारा क्या होगा बच्चों, जिधर रे जा रहा है उधर ही हमारा शिफ्टिंग होगा। यदि एस नेगेटिव है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, सबके लिए काम कर जाएगा, कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन रियल में है तो अभी आप लगा सकते हो, वो पढ़े हैं, गलत नहीं है, दोनों आपको बताया गया है बच्चों। आपसे आपको जहां से भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसको बना के देखिए, बिल्कुल इजी टाइप का है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रॉब्लम बताने का एक ही लॉजिक है, किससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आखिरकार कैसे उसको सॉल्व आउट करें। अब अगले क्लास में बच्चों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोजिट स्लैब होगा तो कैसे शिफ्टिंग होगा, उसका क्या लॉजिक है, या लॉजिक तो यही रहेगा लेकिन क्या क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपोजिट स्लैब रहेगा, उसके बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस रहेगा, यदि मान लो कि कंपोजिट स्लैब ही है और दोनों सब कंपोजिट स्लैब मतलब सारा स्लैब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो उस सिचुएशन में क्या कंडीशन होगा, इन सारे चीजों को हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तब तक आप क्या करो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले आपको बुक से वो बनाओ, फिर हम अगले क्लास में आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं। दैट्स इट।